पैसिव वॉइस हमने पहले भी किए, कक्षा 8 में देखे चैप्टर में किए थे पहले, आज फिर देखते हैं। सरल है पैसिव वॉइस, कोई विशेष परिवर्तन की बात नहीं है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, क्या आ रहा है ही प्लेज क्रिकेट, तो ये एक्टिव वाक्य कहलाता है। कैसा वाक्य है? एक्टिव वाक्य है। इसको अगर पैसिव में चेंज करना हो तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट की पहचान बनाओ पहले, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस है, ये ऑब्जेक्ट है, पहचान कर ली। जब एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, पहला काम ये ध्यान रखना है। क्रिकेट, जिसमें एस आई एस आता हो तो नियम याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के एस आई एस हो तो वहाँ पर ई आर एम का प्रयोग सब्जेक्ट को देखकर करते हैं। क्रिकेट एक वचन है इसलिए ई लग जाएगा। प्ले की थर्ड फॉर्म लाएंगे तो क्या हो जाएगी? प्लेड हो जाएगी। बाय लगाकर ही है तो किसमें बदल जाएगा? इनमें बदल जाएगा। जैसे सी कुक्स फूड, ये देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अपना सी है, कुक्स वर्ब है, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर इसको बनाएंगे तो फूड आगे आ जाएगा, सबसे पहले आ गया फूड। एस आई एस है तो ई आर एम का प्रयोग करते हैं इसलिए क्या लग गया? इट्स। कुक की थर्ड फॉर्म लगेंगे तो क्या हो जाएगी? कुक हो जाएगी। बाय लगाकर आगे क्या लिखा है? सी लिखा है तो किसमें बदल देंगे? हर में बदल देंगे। कठिन वाली बात है तो बता सकते हो आप, पहले भी करा रखे मैंने ये। पहचान आपको करनी है, बाकी सरल है। यू ईट एन एप्पल, तो इसमें ये यू क्या है? तो यू सब्जेक्ट है। ईट क्या है? ईट वर्ब है। एन एप्पल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो अपने को पहला काम ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है, तो एन एप्पल आगे आ गया, ठीक है। ईट फर्स्ट फॉर्म है तो वही काम जो इसमें किया था वही इसमें करना है, ईट आर एम का प्रयोग करना है। एन एप्पल ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन होती है। यू को बदलते नहीं है तो बाय लगा कर यू आ जाएगा। आगे देखें, जैसे मोहन टेल्स ए स्टोरी, मोहन सब्जेक्ट है, टेल्स वर्ब है, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बदलेगा सब्जेक्ट में तो आगे आ जाएगा ए स्टोरी। ए स्टोरी एक वचन है, एस आई एस का प्रयोग देखो हो रहा है, जो पहले में उर्दू से इसमें हो रहा है, इसमें फर्स्ट फॉर्म इसमें एस आई एस था तो वहाँ पर अपने को ई आर एम का ही प्रयोग करना है, तो इज लग गया, बहुत जरूरत होता आर लग जाता, आई होता तो क्या लग जाता? एम लग जाता। ए स्टोरी इज टेल की थर्ड फॉर्म लानी है तो अपने आप समझ, याद रखो टोल लग गई, बाई लगा करके आ लिख देंगे, बाई लगा करके आ जाएगा होना जाएगा। इस प्रकार एक्टिव से पैसिव बनाना सरल है, पहले भी हो चुके हैं, आपको इनका अभ्यास दर अभ्यास करना है कि अभ्यास जैसे आप करते जाओगे इस नियम को गौर कर लो बस, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस हो तो इज आर एम प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। बाकी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना वो सारा नियम पहले हमने लिख चुके हैं, तो आप अब आसानी से पैसिव में चेंज कर सकते हैं वाक्य को, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी आपके, ये ध्यान रखें।